हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आई पी एडू सर। मैं हूँ आपका मैथ एजुकेटर विपुल। और जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आपको मैं बता दूँ कि कल हमारा जो पॉलीनोमियल्स पे डाउट सेशन आया था, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो क्वेश्चन आपने हमें भेजे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे दो लेक्चर मैं ले चुका हूँ पहले से, पार्ट वन और पार्ट टू, और ये आज पार्ट थ्री है। अगर आप पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में काफ़ी बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को देखे थे। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और उसे सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें एक ग्राफिकल मेथड था और दूसरा क्या था, एल्जेब्रिक मेथड। तो हमने ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के जो केसेस थे, जब लाइन पैरेलल होगा, जब लाइन कॉइंसाइड करेगा, जब लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, उसके बारे में लोग पढ़ चुके थे। और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। अगर नहीं पढ़े हैं आपको नहीं याद है, जाकर के वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, 4x प्लस 3y इक्वल टू। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू टू। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। कैसे करना है, हमें ग्राफिकली करना है। तो ग्राफ की हेल्प से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग ग्राफ के मेथड को देखेंगे, इस पे दिए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एल्जेब्रिकली कैसे करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये क्या है, दूसरा इक्वेशन है। तो सॉल्व करते कैसे हैं, बारी बारी से इक्वेशन को क्लिक करेंगे हम लोग और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने पहले फॉर्म इक्वेशन लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से क्या होगा, हम लोग करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन से वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन से वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर पहला इक्वेशन जो है वो लिखा हुआ है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री। इसे अगर सॉल्व करें तो टू वाई इक्वल टू थ्री माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा इस साइड, और फिर यहाँ से जो वाई की वैल्यू को निकालेंगे क्या मिलेगा, थ्री माइनस एक्स बाई टू। ये क्या मिलेगा, थ्री माइनस एक्स बाई टू। पहले इक्वेशन से वाई को निकल गई, सेम काम हम लोग करेंगे सेकेंड इक्वेशन से। क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से, और जब हमारा वाई का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हम लोग एक्स और वाई के पॉइंट को देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्स और वाई के पॉइंट को देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स और ये रहा वाई, ठीक है। हमें बनाना कैसे, हमें ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे क्या होता है, ऐसा कुछ ग्राफ बना होता है जिसमें यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, ये जीरो, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, वन माइनस टू, ऐसे करके हम लोग पॉइंट को लेते हैं। और फिर से अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आया जिसका एक कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि हम लोग अभी जो शिक्षी को पढ़ रहे थे वहाँ देखे थे, यहाँ पे लेट से अगर ए आया और बी आया, इसका मतलब क्या है, ए बता रहा है किसे, ए बता रहा है एक्स को और बी बता रहा है वाई को। तो ऐसे करके हमें जब भी जब कभी भी ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा तो हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिएगा, हमें क्या चाहिएगा, हमें ये ए पॉइंट और बी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो ए पॉइंट कहाँ से आएगा, बी पॉइंट कहाँ से आएगा, वो हम यहाँ से निकालेंगे। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब करते क्या है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं हम लोग। एक इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेंगे। तो जनरली करते हैं कि हम लोग तीन वैल्यू लेते हैं, आप चाहे तो चार पांच दस पंद्रह ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम लोग तीन वैल्यू लेते हैं। और
हम लोग लेट करेंगे एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू अपने मन से यहाँ पे लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू ले लिया 1, एक्स का वैल्यू ले लिया यहाँ पे 1। जब एक्स के वैल्यू 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एक्स की जगह पे 1, 3 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1। तो जब एक्स का वैल्यू 1 था वाई का वैल्यू क्या आया, वाई का वैल्यू भी 1 आया। यहाँ लिख देंगे हम लोग 1। फिर से यही काम करेंगे, अपने मन से एक और वैल्यू लेंगे वाई का, एक्स का वैल्यू लेता हूँ एक्स की जगह पे, लेट्स से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे -1। लोग नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पे -1, -1। तो अब क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू 3 माइनस पहले से था और एक रहेगा -1 का माइनस बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 यानी कि 2। तो वाई की वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, इस 2 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ऐसे करके एक और पॉइंट लेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या लेना चाहिए, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, थर्ड अगर यहाँ पे हम लिख दे -2, यहाँ पे लिख दे अगर हम 3 ले लें, अगर 3 माइ एक्स के जगह पे 3 एक्स इक्वल टू 3 तो क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू 3 -3 बाई 2 यानी 0 बाई 2 इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाई का वैल्यू 0। अब ये मिला क्या आखिर, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, इधर क्या आया था हमसे, हमारा मतलब किससे है, इससे मतलब है इसी के हेल्प से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसी के हेल्प से अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, अब ये एक्स और वाई आया क्या है, ये एक्स और वाई वही है मेरा कोऑर्डिनेट, एक्स के जगह पे 1 वाई के जगह पे 1। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे -1 वाई के जगह पे 2। इस तरह से मैंने ये इस पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पे इसे निकाल लिया। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे सेम ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने इक्वेशन 1 को किया था। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वाई की वैल्यू को, यहाँ पे दिया क्या है 4x+3y=2। यहाँ से अगर सॉल्व करें वाई की वैल्यू को क्या मिलेगा, 3y=2 -4x और वाई इक्वल टू क्या रहेगा, 2 -4x/3। ये क्या आ गया, वाई का वैल्यू। अब जो टेबल यहाँ बनाए थे हम लोग, सेम टेबल हम लोग इक्वेशन 2 के लिए भी बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, ये हो गया एक्स और ये हो गया मेरा वाई। ओके, फिर अपने मन से हम लोग एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, अपने मन से कोई वैल्यू सकते हैं हम लोग, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए करते हैं, और एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब कभी भी इसमें एक्स की वैल्यू को पुट करना हो, हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं एक्स के ऐसे वैल्यू को पुट किया जाए जो कि इस जो भी एक्स वाई का वैल्यू जो भी ये पूरा का पूरा आया है, जो भी ये पूरा का पूरा वैल्यू आया है ये फ्रैक्शन में नहीं जाए, ये किस में नहीं जाए, फ्रैक्शन में नहीं जाए, पॉइंट में नहीं जाए। अगर जाता है पॉइंट में या फ्रैक्शन में कोई गलती नहीं होगा, गलती कभी नहीं होगा, हमें ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ था -1 और 2 तो आसानी से हम लोग ग्राफ ले लेंगे, जैसे कि ये 1 एक्सेप्ट ये 1 हो गया, इधर -1 ये पॉइंट ले लेंगे। अगर वहाँ पे सब कुछ होता 1.333 तो कैसे ले पाते हम लोग, वो हमें लेने में दिक्कत होता है। तो करेंगे कि हम लोग हमेशा एक्स का वैल्यू ऐसा पिक करेंगे जिससे क्या मिले, हमें एक इंटीजर वैल्यू मिले, नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं करते हैं, क्या मिले, इंटीजर मिले, ये हम लोगों की कोशिश होती है। यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो एक्स का वैल्यू ऐसा कौन सा ले जो कि ये फ्रैक्शन हमें ना मिले। अगर यहाँ लेते हैं हम लोग 1 तो क्या मिलेगा, 4 × 1, 4 - 2, 4 - 2, 2, 2/3, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। और 2/3 कितना होता है, 2/3 मतलब 0.6666। ठीक है, सही सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे लोग,
इसके जगह लेते हैं टू, एक्स की जगह टू, फोर टू जा एट, एट माइनस टू सिक्स, सिक्स बाई थ्री। हाँ ये सही है, क्या करेंगे एक्स वैल्यू में टू, जब एक्स का वैल्यू टू होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कर लेते हैं टू माइनस फोर इंटू टू बाई थ्री, फोर इंटू टू क्या एट होगा, टू माइनस एट बाई थ्री, जब टू माइनस एट करेंगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस सिक्स बाई थ्री, और ये क्या होता है, ये होता है माइनस टू। तो जब तो मैंने लिया एक्स इक्वल टू, तो वाई वैल्यू क्या आया, वाई वैल्यू आया माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट आप कौन सा ले वैल्यू एक्स का, लेट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स इक्वल टू, एक निगेटिव ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो क्या मिलेगा, फोर टू या एट प्लस एट अगेन, नहीं नहीं हो पाएगा, लेते एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, फोर थ्री या ट्वेल्व, नहीं। अब लेते हैं एक्स इक्वल टू माइनस फोर, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन टू एटीन, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इक्वल टू माइनस फोर, इससे क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, टू माइनस फोर इंटू माइनस फोर बाई थ्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सिक्सटीन टू एटीन, ये हो जाएगा एटीन बाई थ्री यानी सिक्स। तो जब ली एक्स की वैल्यू माइनस फोर, तो वाई कितना आया, वाई आया सिक्स आया। ऐसे ही एक और वैल्यू हमें पुट करना है। अब जब लेते हैं यहाँ पे हम फोर इक्वल टू वन अगर लेते हैं क्या मिलेगा, माइनस वन लेते हैं, लेट मैं लेता हूँ फोर एक्स की जगह पे माइनस वन, माइनस वन, तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमें टू माइनस फोर इवन टू माइनस वन बाई थ्री, ये क्या हो जाएगा, फोर प्लस का फोर, अब फोर प्लस टू सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स बाई थ्री, इट मीन्स टू। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन था, दोनों ही इक्वेशन के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के वो हमें मिल चुके हैं। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ यहाँ से कर सकते हैं, तो आइए यहाँ पे अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अगर ये समझ नहीं कैसे करते हैं, कुछ नहीं, मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों इक्वेशन से पहले पहले इक्वेशन को पिक किया, उस इक्वेशन से वाई की वैल्यू को फाइंड आउट किया मैंने, उसके बाद अपने मन से एक्स के वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करके मैंने वाई के वैल्यू को फाइंड आउट किया। और यहाँ ये रखना है कि ऐसे वैल्यू ले एक्स का जो कि इसको फ्रैक्शन ना बनाए, तो हमने ऐसे ही वैल्यू पिक किया था जिससे फ्रैक्शन नहीं बना। और फिर क्या किया मैंने, सेकंड इक्वेशन पिक किया, सेकंड इक्वेशन से वाई की वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर वाई को फाइंड करने के बाद फिर वही काम, एक्स के वैल्यू को ऐसे पिक किया गया जिससे ये फ्रैक्शन ना बने, और फिर हमें ये तीन पॉइंट सेकेंड इक्वेशन से मिल गया। जब ये सब मिल चुका है तो हम लोग करेंगे यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास स्पेस भी है, तो हमारे पास आपको पता ही है ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ में दो लाइंस होते हैं परपेंडिकुलर, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और ये कहलाता है y एक्सिस, और जिस जगह पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दोनों उसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले ग्राफ में ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है x का, सबसे बड़ा नंबर y का कौन सा है। तो अगर पहले क्वेश्चन से देखें, पहले इस टेबल से देखें, तो यहाँ पे एक थ्री है एक्स में और एक टू है, सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में माइनस फोर, निगेटिव का माइनस फोर गया हुआ है और पॉजिटिव में सिक्स गया हुआ है, तो मतलब हमें सिक्स तक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सिक्स को माइंड में रख करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पिक करेंगे। वैसे अगर आप ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो वहाँ पे स्क्वायर बना होता है, बस स्क्वायर पे आपको पेंसिल से इससे बनाएंगे, वहाँ पे मार्क करके आपको ये नंबर लिखना होगा 1 2 3 4। अगर आप बना रहे हैं जिन पेपर पे तो आप यूज करेंगे स्केल, स्केल में 1 सेंटीमीटर या फिर अपने मन से कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं एक यूनिट को लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बस अपने अंदाज से यहाँ पे मैं स्पेस लूंगा जिसे मैं 1 यूनिट कहने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिक्स जाना है,
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके ना ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 और इधर 6 आ जाएगा तो वाई में इसमें जाना ही पड़ेगा, तो इसे काम करते थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं 6 ओके एनी प्रॉब्लम। आप जब स्किल से बनाएंगे तो काफी परफेक्ट बनेगा। मेरा यहाँ तो टेढ़ा हो चुका है, स्पेस भी थोड़ा सा सही नहीं हुआ है, लेकिन आप स्किल से बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनने वाला है ये, ठीक है। तो अब हम लोग पहले से पहले ड्रॉ करेंगे इक्वेशन वन के ग्राफ को। ध्यान से देखिए कैसे कैसे करते हैं। ये इक्वेशन वन का ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल कहाँ से आया है, इस इक्वेशन से ही ये टेबल निकल के आया है जो हमने अभी किया था। x इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन। अब देखना है क्या x इक्वल टू वन कहाँ होगा। ये x एक्सिस है, इस पर भी ढूंढना है x इक्वल टू वन। ये तो जीरो होता है बीच में सेंटर पे, यानी कि ये होगा मेरा पहला पॉइंट, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिमिलर इधर क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे ही हर जगह होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 यानी कि ये पॉइंट, y का वैल्यू 1 यानी कि ये पॉइंट, ये तो होगा वन मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। तो ये x का वैल्यू ये 1, ये y का वैल्यू 1 ये। करेंगे क्या हम लोग दोनों पॉइंट के सामने में ले आएंगे। अगर आप स्केल हो स्केल यहाँ पे रख करके आप इसे मैच कर सकते हैं, यहाँ से ये y का 1 और यहाँ से ये x का 1, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये पॉइंट। ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है पहला 1, 1 मुझे मिल चुका है। अब देखेंगे x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2। x इक्वल टू -1 कहाँ पे है, x इक्वल टू -1 इधर है, y इक्वल टू ये रहा y इक्वल टू, यानी कि इन दोनों के सामने में कहीं यहाँ पे इधर कहीं ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट 3 और 0, x का 3 यहाँ पे, y का 0 यहाँ, यानी कि ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो भी तीन पॉइंट बना है उस तीन पॉइंट को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो ये रहा मेरा पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तीनों को ज्वाइन करना है। तो मैं इसे ऐसे मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और आप इसे आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं जहां तक मन करे। तो मैं भी थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। स्केल से करेंगे काफी परफेक्ट बनेगा, ओके। अब जैसे मैंने इसे किया है वैसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी, सेकेंड टेबल को भी यहाँ पे परफॉर्म करना है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2। x इक्वल टू हियर एंड y इक्वल टू -2। y इक्वल टू -2 हियर, सॉरी y इक्वल टू -2 नीचे जाएगा, -1, -2 यानी कि ये रहा पॉइंट, यानी कि इसके सामने ये रहा -2 y का और ये रहा +2 x का, इसके सामने यानी कि ये जो पॉइंट हुआ कहीं घर बनने वाला ये पॉइंट, ठीक है। सेकेंड -4 एंड 6, तो -4 ये रहा -4x का और 6 यानी इधर ये रहा 6, तो ये इन दोनों के सामने बैठ जाए हम तो वो कुछ इधर बनेगा ये रहा, ठीक है। और -1, 2, -1 यहाँ इधर है और 2, 2 इधर, यानी कि ये वाला पॉइंट ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। अब क्या करेंगे हम लोग एक लाइन की हेल्प से, स्केल की हेल्प से इस तीनों पॉइंट को हम लोग मैच करा देंगे, ठीक है। मैंने मैच करा लिया। जब आप मैच कराएंगे तो आपको देखने में क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा कि ये दोनों लाइन जो है, ये था इक्वेशन वन का लाइन, तो मैं इसे दिखा देता हूँ वन करके, ठीक है। ये था इक्वेशन वन का लाइन और ये था इक्वेशन टू का लाइन। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू पे क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है। ऐसा हमने पढ़ा था, जब हमने केस पढ़ा था तो उसमें एक केस था, इसमें जब दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे
इंटरसेप्ट करेगा। लेट्स से ये पॉइंट का नाम पी है, क्या नाम इसका पॉइंट का टी। ये जो पॉइंट होगा वही पॉइंट मेरा क्या था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स का कितना वैल्यू है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू है माइनस वन। वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू यहाँ पे टू है। तो हमें क्या मिल गया, पी इक्वल टू -1, 2। मैंने बताया था यहाँ जो पहले लिखते हैं वो क्या होता है, वो होता है x, और जो बाद में लिखते हैं कॉमा के बाद वो होता है y। तो x इक्वल टू क्या मिला, -1, y इक्वल टू मिला 2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। जब दोनों दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वही जो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू होगी वही क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन टू इक्वेशंस। ओके, अगर चेक करना चाहते हैं क्या ये सही है या नहीं है, तो इस दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके दे सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे, ओके आई पुट करते हैं x इक्वल टू -1, ये हो गया -1, यहाँ पे लिख रहे साइड में, ठीक है, लिख रहा यहाँ लिख रहे साइड में। x के जगह पे -1 प्लस 2, y के जगह पे 2, कितना आएगा ये -1, 2 इंटू 2 4, 4 में से जब 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 3, 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। सेकंड में चेक करेंगे क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 -4, 3 इंटू 2 6 प्लस 6, जब 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि जो मेरा सॉल्यूशन आया है बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बारी बारी से हमें दोनों ही क्वेश्चन को निकाल के करना होता है। यहाँ पे ध्यान बस यही देना होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों, खासकर जब टेबल बना रहे हों, तो कोशिश ये करें कि हमारा फ्रैक्शन या फिर पॉइंट में ना बने, ऐसे वैल्यू को, ऐसे एक्स के वैल्यू को हम लोग पिक करें जो कि फ्रैक्शन नहीं बनाए। और सेकंड, जब यहाँ से हम लोग हमेशा वाई के वैल्यू को ही निकालेंगे, एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ से हम सॉल्व करते सॉल्विंग फॉर एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होता, एक्स इक्वल टू 3 - 2y, तो ऐसा नहीं करेंगे, या करेंगे हमेशा हम लोग वाई के वैल्यू को ही निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, सेकेंड इसमें ये पूछिए बोलेगा कि ये काम कर दो, पहले सॉल्व तो कर दो उसके बाद शेड करो, शेड क्या करो, तो जो हमारा दो इक्वेशन था उसके उससे जो बना लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, जैसे कि ये अगर फर्स्ट इक्वेशन का लाइन, ये सेकेंड इक्वेशन का लाइन, और इन दोनों के बीच और एक्स एक्सिस के बीच जो रीजन है शेड करना है, जो भी ऐसा आएगा उसे हम लोग शेड करके दिखा देंगे, ऐसा क्वेश्चन में होगा। तो इस पर एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को लेकर के। फ्रेंड्स आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, सो ग्राफिकल डेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। हमें क्या करना है कि हमें ये शो करना है कि ग्राफ के मेथड से जो इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो। दो बताया था, एक था कंसिस्टेंट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एंड सेकेंड वन इनकंसिस्टेंस व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। और हम लोगों ने तीन केस पढ़ा था जिसमें एक केस था जिसमें इनकंसिस्टेंट हो रहा था, वो केस क्या था, व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन कैसा होगा, अगर पैरेलल होगा तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर ये इनकंसिस्टेंट होगा तो ये दो लाइन कैसा होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व। क्या निकालते हैं हम लोग, हमेशा हमेशा निकालते हैं वाई की वैल्यू को,
ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो क्या मिलेगा? 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x और y इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई 3, ये हमें मिलेगा। क्या करेंगे हम लोग, टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे हम, बनाएंगे एक टेबल। टेबल लाते हैं सामने में, यहाँ पे सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे x और यहाँ लिखते हैं y। ठीक है, अब फिर से हमें वही ध्यान रखना है कि हमारा जो ये वैल्यू निकल के आए, ऐसे वैल्यू को यहाँ पे x को, x का वैल्यू ऐसा वैल्यू पुट किया जाए जिससे y कैसा हो, फ्रैक्शन नहीं बने। ये कैसा मिले हमें, एक इंटीजर मिले, निगेटिव मिले या पॉजिटिव, एक इंटीजर मिले तो बेटर होगा। तो देखिए कैसे करते हैं लोग, अगर यहाँ पे रखते हैं जीरो तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, हो जाएगा 4/3, तो ये फ्रैक्शन मिलेगा 1.33। हमें ये काम नहीं करना। यहाँ पर करते हैं अगर 2, ओके यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आपको मिल जाएगा। ओके, तो पहला लेते हैं यहाँ पे 2 2 into 2 4 4 minus 4 0 0 by 3 3। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 minus 2 into 2 by 3, ये हो जाएगा 4 minus 4 by 3 0 by 3 equal to 0। क्या मिलेगा, मिलेगा 0। ठीक है, फिर ऐसे ही पुट करेंगे। अगर नेक्स्ट वाले क्या है, नेक्स्ट लेते हैं, अगर यहाँ पे लेते हैं लोग 2 ले लेते हैं, अगर यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे ले लेगा 5, निगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव में क्या ले लें, यहाँ पे अगर यहाँ पे लेते हैं 5 तो क्या मिलेगा, अगर लेते हैं यहाँ पे 5 5 2 10, 10 में से 4 6 6 by 3 equal to 2। क्या मिलेगा, 4 into 2 into 4 minus 2 into 5 by 3, तो 4 minus 10 by 3, इसे माइनस पे कितना मिलेगा, हमें मिलेगा -6/3 = -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2। ठीक है, सिमिलरली अगर आगे सॉल्व करें, अब कौन सा वैल्यू ले, एक नेगेटिव लेते हैं, दोनों पॉजिटिव ले लिया हमने, एक लेते हैं नेगेटिव वैल्यू। लेट्स से अगर लेते हैं -2, ये 8 हो जाएगा, नहीं 1 लेते हैं, अगर -1 लेते हैं तो 2 1 2 4 2 6। हाँ ठीक है, क्या करते हैं हम लेते हैं -1, क्या लेते हैं -1, क्या होगा 4 into 4 minus 2 into -1 by 3, ये क्या मिलेगा 4 minus minus plus 2 by 3 4 2 6 by 3 equal to 2। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 2 मिलेगा। क्लियर, यहाँ से मैंने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इस तीनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब बारी आई सेकेंड इक्वेशन की, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इक्वेशन 2 को। 2 क्या था, 2 था 4x plus 6y equal to 12। तो क्या मिलेगा, 6y equal to 12 minus 4x, और y equal to 12 minus 4x by 6। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके हैं, अब सेकंड इक्वेशन से हमें भी ऐसे ही सॉल्व करके निकालना है। यहाँ पे हम एक बना देते हैं टेबल xy, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट किया जाए, x का वैल्यू, जैसे ये फ्रैक्शन ना बने और यहाँ पे एक इंटीजर हमें मिल जाए। अगर लेते हैं यहाँ पे x के जगह पे 0, तो 4 into 0, और ये मिल जाएगा हमें। तो पहला वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 12 minus 4 into 0 by 6, ये तो हो जाएगा 0, तो 12 by 6 क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा 2, यहाँ मिल जाएगा 2। सेकेंड क्या है, सेकेंड लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो 4 into 1, ये हो जाएगा 12 minus 4 8 by 6, नहीं तो 1 नहीं ले सकते हम लोग, तो सेकेंड क्या ले लें,
अगर लेते हैं x की वैल्यू को 2, 4 2 8, 12 - 8 = 4, ये भी ले पाएंगे। x इक्वल टू अगर 3 ले लें तो क्या मिलेगा, 12 - 4 × 3 / 6, 4 3 12, 12 0, ये पूरा कैंसिल, 0 आ गया, ये मिल जाएगा हमें 0। तो नेक्स्ट का ले एक और लेना हमें, तो अगर यहाँ पे 3 लिए हैं, अगर ले -3 क्या मिलेगा, 4 3 12, ये हो जाएगा +12 12 24, हाँ ये हो जाएगा। तो x इक्वल लेते हैं -3, तो क्या मिलेगा, 12 - 4 × -3 / 6, तो 12 - -+4 3 = 12 12 + 12 / 6 = 24 / 6 यानी कि 6 4 24, ये मिल गया हमें 4। इस तरह से हमारा दोनों टेबल तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ पैरेलल आएगा तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट होगा, अगर ग्राफ पैरेलल नहीं आता है इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें सो तो यही करना है कि इनकंसिस्टेंट यानी कि हमारा ग्राफ पैरेलल आना चाहिए, अगर पैरेलल नहीं आता है इसका मतलब हम गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, अब ग्राफ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, काफी स्पेस हमारे पास। सबसे पहले चेक करें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 5, सबसे बड़ा 5 था, घर भी 4 है, तो ठीक है 5 लेते हैं, 5 सबसे बड़ा है, 5 क्या है सामने सबसे बड़ा है, तो लेते हैं 5 को। और इधर ड्रॉ करते हैं लोग एक्सेस, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, सभी को पता ही है, ये बीच में 0 होता है, यहाँ पे 5 पर जाना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, थोड़ा सा अनइक्वल हो गया यहाँ पे, 1 2 3, कुछ ज़्यादा करीब हो गया यहाँ पे, इसका मैं ठीक करता हूँ, 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने 5 5 पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला x = 2 y = 0, x = 1 ये 2 ये रहा 2 y = 0, यानी कि यही वही पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट मेरा मिल गया, ये रहा मेरा पहला पॉइंट। सेकेंड 5 - 2 5 - 2, वेयर इज 5 5, ये 1 2 3 4 5, इस वजह से 5 - 2 - 2, दिस इसका मतलब हमें ग्राफ क्या मिलेगा, हमें ये रहा मेरा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, 5 - 2। एंड थर्ड इज -1 2, वेयर इज -1, दिस इज -1 एंड 2, दिस इज 2, तो कहाँ मिलेगा हमें पॉइंट, कुछ इस जगह पे मिलेगा। अब क्या करना है, हमें पता है कि हम तीनों पॉइंट को मैच कराएंगे, मतलब एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो हम लोग इसे ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, और ये लाइन क्या हो चुका है, ज्वाइन हो चुका है, स्केल से करेंगे काफी परफेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट, ये तो हमारे पहले इक्वेशन का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, हमारे पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब करना है सेकंड इक्वेशन के लिए, पहले के लिए ये था और सेकंड के लिए ये है। आइए करते हैं, x = 0 y = 2 x = 0, कहाँ होगा, ये रहा x = 0 y = 2 y = 2 हियर, यानी कि ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा, ये रहा पॉइंट। सेकेंड 3 0 3 0, x = 3, 1 2 3, ये रहा 3 और 0, ये रहा 0, यानी कि ये रहा पॉइंट सेकंड। एंड थर्ड -3 4 - 3 4, वेयर इज -3, हियर इज -3, एंड 4, 1 2 3 4, दैट मीन्स ये पॉइंट कुछ इधर जाएगा, हाँ -3 1 2 3 - 3 और 4 1 2 3 4, लग रही बनेगा। अब क्या करना है, इस तीनों पॉइंट को हमें जोड़ना है, तो आइए इसे हम लोग इसे अगर आगे फॉर एक्सटेंड करते भी हैं तो ये कैसा कुछ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, आगे भी ये ऐसा ही जाएगा, ये इक्वेशन 2 का ये लाइन हो गया। अब क्लियर फिर आपको दिख रहा है, स्केल से बनाइएगा और क्लियर दिखाई देगा, ये दो लाइन कैसा है, पैरेलल है, इसे फर्दर एक्सटेंड करते भी हैं, ये कभी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेगा। तो
यहाँ पे क्या है, लाइन वन इज पैरेलल टू लाइन टू, लाइन वन इज पैरेलल टू लाइन टू, लाइन वन लाइन टू के पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लिखेंगे लाइन वन एंड लाइन टू हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर लाइन वन एंड लाइन टू नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो वी हैव नो सॉल्यूशन, क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। हाँ, लाइन वन लाइन टू पैरेलल हुआ तो क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। और हम जानते ही कि नो सोल्यूशन मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ये कैसा हो गया, ये हो गया इनकंसिस्टेंट हो गया, और इसे हम लोगों ने यहाँ पे सो भी कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज मिलेंगे इस पे बेस्ड, ग्राफिक ग्राफ मटेरियल बेस्ड, वैसे ही मिलेंगे आपको। दो क्वेश्चन दिए होंगे और आगे आपको या तो ऐसा प्रूफ करने को लेगा, शो करने के लिए, या फिर आपसे सॉल्यूशन पूछेगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। आपको यहीं पे दो ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, या तो आपको ये शो करना होगा कि क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, या फिर आपको वहां से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप लोग ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले ये बॉक्स क्रिएट करेंगे, बॉक्स क्रिएट करने के बाद ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके आप क्लियर हो जाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर ये इनकंसिस्टेंट है। तो होपफुली मैंने जो भी बताया आज आपको क्वेश्चन वो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन पर बेस्ड एक एक्सरसाइज आपके बुक में मिलेगा, उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए, और एक्सरसाइज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। और फिर अगर कोई भी समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, तो वो क्वेश्चन आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपको आप सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सेशन हमारी पहली बार देख रहे हैं तो बताते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये पार्ट थ्री है। इससे पहले दो पार्ट्स और आ चुके हैं, अगर वो दो पार्ट्स तक नहीं देखे हैं तो यहाँ समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए उसे देखिए, या फिर हमारे आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसे जाइए उस सभी वीडियोज को एक्सेस कीजिए। इससे पहले हमारे पॉलिमर्स चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उस पर मैंने डाउट सेशन भी लिए थे कल, तो वो सारे वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी को देखिए, क्वेश्चंस को बनाइए, और जो भी दिक्कत होती है वो हमसे पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। एंड अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियोस को लाइक तो कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।